नमस्कार दोस्तों, ये मनीषा एंड वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वर्ल्ड ऑफ वास्तु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, भला कौन नहीं चाहता है कि उसकी धन की अलमारी हमेशा रुपए पैसों से भरी रहे और उसे कभी भी किसी की बात की कमी ना हो। लेकिन कई बार कुछ लोगों को भरपूर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिए कुछ वास्तु के ऐसे टिप्स हैं जिनको करने से आपको धन के मामले में अवश्य ही लाभ मिलेगा। कुछ लोग घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तु में यह सही नहीं माना जाता है। कहते हैं कि तिजोरी में पैसों के साथ कुछ ऐसी बहुत ही शुभ चीज़ें रखने से तिजोरी जो है वो धन से भरी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी सदैव बनी रहती है। तो आज के वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कि ऐसी कौन सी पांच चीज़ें हैं जिनको आपको तिजोरी में रखने से बहुत ही लाभ मिलेगा तथा माँ लक्ष्मी की कृपा भी हम सब पर बनी रहेगी, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कि हमें अपनी अलमारी में, जहाँ भी आप धन रखते हैं, जो भी धन का धन रखने की जो आपकी जगह है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी को पीली कौड़ी बेहद प्रिय है। कहते हैं कि इसको धन जहाँ रखते हों, जैसे अलमारी या तिजोरी में ज़रूर रखना चाहिए। वैसे तो पीली कौड़ियाँ दीपावली या फिर धनतेरस की पूजा में चढ़ाकर फिर धन की अलमारी में रखना सबसे शुभ होता है, लेकिन इसे किसी भी शुक्रवार को या फिर पूर्णिमा को भी आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं। आपको धनतेरस तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आज ही अगर शुक्रवार के दिन आप पीली कौड़ी का ये छोटा सा उपाय करें माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए, तो अपनी तिजोरी में आप पीली कौड़ी रख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, कमल का फूल। मान्यता है कि भगवान विष्णु के हाथों की शोभा बढ़ाने वाला और माँ लक्ष्मी का आसन माना जाता है कमल का फूल। धन के स्थान पर इसे रखना बेहद शुभकारी होता है, इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल ज़रूर ही चढ़ाया जाता है, फिर इसे घर की तिजोरी में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि दिवाली वाले दिन कमल का फूल अवश्य ही चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसे वहाँ से चढ़ाने के बाद अपनी तिजोरी में लोग रख लेते हैं। यह फूल सूख जाए तो फिर इसे तुरंत ही वहाँ से हटा सकते हैं आप। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी भी सदैव प्रसन्न रहेंगी। इसके बाद आती है हल्दी की गांठ की। कहते हैं कि धार्मिक कार्यों में हल्दी का प्रयोग बेहद शुभ होता है। हल्दी की एकमात्र गांठ आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर सकती है। आपको करना क्या है? तो दोस्तों, गुरुवार या फिर शुक्रवार को एक हल्दी की गांठ लेकर लाल या पीले कपड़े में बांधकर अलमारी में धन के साथ रख देनी है। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धन भी वृद्धि होती रहेगी। इसके बाद है दोस्तों कि दर्पण। तो दर्पण भी अगर आप अलमारी में रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। वास्तु में दर्पण का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। कहते हैं दर्पण में जो वस्तु नज़र आती है वो दोगुनी हो जाती है। तो अगर आप घर की तिजोरी में उत्तर की दिशा एक छोटा सा दर्पण लगा दें या फिर तिजोरी में ही रख दें, तिजोरी के चारों तरफ, तो आपके धन में आप खुद ब खुद देखेंगे कि कैसा चमत्कारिक प्रभाव दिखेगा और आपका धन जो है वो भी दुगना होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा है दोस्तों कि लाल रंग का कपड़ा। माँ लक्ष्मी को लाल रंग का कपड़ा बेहद प्रिय होता है। अपने धन के स्थान में लाल रंग के कपड़े में 11 या फिर 21 रुपए बांधकर ज़रूर रखें और फिर किसी शुभ दिन जैसे शरद पूर्णिमा, धनतेरस या फिर दीपावली पर इस लाल रंग के कपड़े को बदल दें। इसमें रखे धन को दान करके नया कपड़ा वापस से आप रख सकते हैं, लेकिन इस कपड़े को शुभ वाले किसी शुभ दिन ही आप बदल दें, वापस से फिर वहाँ पर रख दें और उस पैसे को किसी मंदिर में आप दान करने स्वरूप रख सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे उपाय जिससे आपका धन दोगुना होगा और घर की तिजोरी में धन के साथ साथ वो उसमें बढ़ोतरी भी होगी और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनेगी और वो प्रसन्न भी रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर।